महादेव जय श्री केदारनाथ। कैसे आप सब, आशा करते ठीक होंगे। स्वागत है सभी को फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज है हम लोगों का यात्रा का 13वां दिन और आज है 6 अगस्त है और हम जहाँ पे रुके थे वहाँ से तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर आगे आ गया हूँ जिस मंदिर में रुके हुए थे। वहाँ पे शूट नहीं कर पाए थे इसलिए क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा टाइप का था तो फोन उतना अच्छा से कैप्चर नहीं कर पाता, तो वहाँ पे शूट नहीं किए। तो 10-12 किलोमीटर आगे आया हूँ। यहाँ पे एक ढाबा है कान्हा उपमन के नाम से, सैनिक ढाबा, यहाँ पे रुका हूँ। और यहीं पे पहले हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे एक टंकी है, वहाँ पे एक टोटी भी है, मतलब नल है, तो खड़े सोने के लिए वहाँ पे गए थे साइकिल लगा के। तो भैया यहाँ से आवाज़ भी है, मिला रहा हूँ, उनसे भी मिलाता हूँ। तो भैया बोले हैं जो वहाँ से नहीं, यहाँ पे आ जाओ, ढाबा पे आए हैं, मतलब यहीं पे आए हैं, तो बोले जो जाकर के पीछे में फ्रेश हो जाओ, बाथरूम सब सारा कुछ बना हुआ है। तो मुँह हाथ धोकर के आया हूँ और अभी जाऊँगा कुछ देर में नहाने के लिए। विष्णु भाई भी आ गए यहाँ पे। और वहाँ पे ऐसा सीन हुआ था ना, जो मतलब जहाँ पे मंदिर में रुके हुए थे उनका पर्सनल मंदिर था वो, और वो मतलब वो चारपाई पे सोए और हम लोग को चौकी दिया था, चौकी दिया था सोने के लिए। तो हम दोनों भाई चौकी पे सोए हुए थे और वो मंदिर उनका पर्सनल मंदिर था, तो हम लोग चौकी पे सोए हुए थे। तो वहाँ से आए हैं अभी और यहाँ पे भैया ढाबा दिलाए हैं, मतलब यहाँ पे बोले जो फ्रेश फ्रेश हो जाए। हर महादेव, हर महादेव भैया कैसे हैं? अच्छे, मनोकामना आपकी पूरी हुई, हमारे भैया अर्जी लगाते हुए। बिल्कुल 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 लगाएंगे। तो वहाँ पे थे ना, तो भैया आवाज दिए जो यहाँ पे आ जाओ, पीछे में ये मतलब बाथरूम है, यहाँ पीछे में जाके फ्रेश हो जाओ। तो अभी ब्रश करके आए और अभी जा रहे नहाने के लिए, बोले नहा भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु भाई हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी फ्रेश होकर जाओ, ब्रश कर लो, हम नहाने जा रहे हैं। यहाँ पे अपना बाबा विश्वकर्मा जी और भाई का राजा कंप्लीट है, तो अभी जा रहे हैं हम नहा के आते हैं। ब्रश तो कर लिए, अभी नहा के आते हैं। यहाँ का लोकेशन दिखा देता हूँ, देखिए कुछ इस टाइप का है, NH के बगल में ही है। हाँ हाँ, पूरा दिखा दिए हैं, कान्हा उपमन सैनिक ढाबा करके है, देख रहे हैं, जय श्री बालाजी महाराज। ढाबा के पीछे यहाँ पे नहा लेता हूँ, देखिए बाथरूम सब बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे नहा लेता हूँ किसी में। बोले ये वाला पाइप लेकर के आराम से बाथरूम में लेके जाओ, आराम से नहा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं मतलब हम लोग को सपोर्ट मिल ही जाता है भगवान के आशीर्वाद से सुबह सुबह। और सुबह में एक चीज और हुआ है, जहाँ पे हम ब्रश लिया है ब्रो, जहाँ पे ब्रश लिया है ना, हम ब्रश और कोलगेट लिया है, वहाँ पे एक बिस्किट दे दिया एक भाई, पूछे जो कहाँ जा रहे हो, हम बोले जो अच्छा वो बोल रहा था, ओहो भाई को भी मुझे जो दिए है वो भाई को भी एक मतलब बिस्किट दे दिया है, तो मुझे भी दे ब्रश और कोलगेट लिया, हम कॉलोजब लिया तो वो भी एक बिस्किट दे दिए, बोले बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मन को मतलब खुशी मिलती है क्या ब्रो, बहुत खुशी मिलती है। तो अभी जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से, ठीक। तो अभी नहा धोकर के बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं मैं भी, विष्णु भाई भी फ्रेश हो गया, अभी जस्ट आया है बाहर, देखते हो क्या बन रहा है अभी, अभी क्या क्या बना रहे हैं सुबह सुबह में, बना रहे हैं पकौड़ी, बना रहे हैं चाय, बना रहे हैं रसगुल्ले, बने हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, छोला बन चुका है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जो हम मतलब ब्रश करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ से आवाज दिए जो आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अच्छी सुविधा थी, हाँ वहाँ पर हमारे यहाँ एक टंकी लगी थी वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे आए, तो अच्छा लगा, कहीं ना कहीं अच्छा लगता है ये सब आप सबसे मिलके, अच्छा प्रभु बाबा जी, बिल्कुल अच्छा, आगे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, आप लोग ऐसे मदद करते रहेंगे दूसरों की, जरूर आगे जाएंगे। तो ये रहा पकौड़ा विष्णु भाई का, ये लो ब्रो, मस्त पत्ता में दे रहा है ब्रो, पकड़ के खाना पड़ेगा, हाथ में गिर जाएगा ऐसे, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। एक और लगा दो भैया, ये रहा मेरा और पकौड़ा चाय। सब ठीक करके थोड़ा फ्रेश हो गए और लंच भी हो गए, एनर्जी भी मिल गई बहुत सारा, खिलवा खाएगा एनर्जी में आप, ठीक है ठीक है। तो मिलते हैं आते समय, ठीक है। तो अभी ढाबा से निकल गए हैं और बहुत अच्छा लगा भैया सबसे मिल करके, यहाँ पे जितने भी सारे लोग थे बहुत अच्छा लगा मिल करके। और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद है आप सभी को जो आप लोग मुझे नहाने मतलब फ्रेश फ्रेश होने का जगह दिए, मैं तो कहीं और जाकर के मुंह सफ्रेश कर रहा था,
आप सभी को दिखाया मैं कहाँ पे खड़े सोने के लिए जा रहा था, तो भैया ने आवाज लगाई यहाँ से, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बाथरूम सब है, सारा कुछ है, यहाँ पे फ्रेश हो जाओ। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है इन सबसे मिल करके और हौसला बुलंद हो जाता है। अगर यही मना कर देते तो हम लोग का थोड़ा सा माइंड अपसेट हो जाता। तो बहुत अच्छा लगा इन सबसे मिलके, और हम लोग का बिल तकरीबन 60-70 रुपये का बना था, वहाँ पे 30 रुपया लिए भैया, वहाँ पे 30 रुपया ही लिए। ढाबा से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे आ गए, यहाँ पे रुके हैं, स्टॉप किए यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ से अयोध्या 87 किलोमीटर, बस्ती है 156 किलोमीटर और गोरखपुर है 219 किलोमीटर। तो इतना सब हम लोग क्रॉस करके यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ से है लखनऊ 49 किलोमीटर यहाँ से। तो अभी बैठ करके यहाँ पे केला वेला खाते हैं, पानी वानी थोड़ा सा पीते हैं, उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे। क्या ब्रो? हाँ ब्रो, मजे में। क्लाइमेट आज साथ दे रहा है अपने को। बिल्कुल, मौसम एकदम गजब का है भाई साहब। ऐसे ही मौसम मिलने वाला अभी। अगर हम लोग को तो यही चाहिए, हम लोग को तो यही चाहिए, ऐसे ही में पार करना है हम लोग को एकदम। आप सबकी दुआ, भगवान के आशीर्वाद, हम लोग का मेहनत से ही तो इतना आगे जा रहे हैं हम लोग, और ऐसे ही आगे जाते रहेंगे। मेहनत अभी 9:30 बज गया, अभी यहाँ निकलते हैं लखनऊ के लिए, जो की है यहाँ से मात्र 49 किलोमीटर। जल्दी से कवर करते हैं, मौसम भी साथ दे रहा है, बारिश आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को, तो बारिश ही चाहिए, मजा आएगा चलाने में, एकदम एनर्जी के साथ में चलाएंगे, गजब लगेगा भाई साहब। तो निकलते हैं यहाँ से, चलो ब्रो, चलो। मतलब माने कि यहाँ से लखनऊ है मात्र 32 किलोमीटर, उससे पहले भैया मिले हैं, देख सकते हैं भैया, कुछ बोलिए। वेलकम भाई, वेलकम। हेलो, क्या हाल है भाई? भाई अभी हमको मिले थे तो जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि भाई को कुछ, बिल्कुल आप लोग सपोर्ट करिए, और भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग। तो मैंने भैया बोले जो कम से कम एक बार चाय तो पी लो, नहीं ज्यादा कुछ, तो बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु भाई पीछे है, वो आ रहा है अभी, तो वेट कर लेते हैं। धन्यवाद आपको भाई की, यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, ठीक है, लाइक बहुत ज्यादा करिए, और भाई को आगे तक पढ़ाइए, भाई इतना मेहनत कर रहा है आदमी। अभी भैया चाय बिस्किट खिलाए, भाई बहुत लेट है, मतलब बहुत पीछे है, और भैया को जा रहा है, मतलब जाना है कॉलेज, लेट हो जाएगा, इसलिए भैया यहाँ से निकल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, बहुत अच्छा लगा। जहाँ पे आदित्य भाई रुके हुए थे, इसी ढाबे पे रुके हुए हैं, और अभी आ गए पूरी और ये चना, तो पूरी चना खाएंगे। विष्णु भाई उस पे बैठा हुआ है और अपन इस टेबल पे, तो अभी जल्दी से खाते हैं। और यहाँ से 32 किलोमीटर ही है यहाँ से लखनऊ, जाएंगे तकरीबन आप आराम से कहीं और आगे जाकर के स्टे करते हैं, फिर वहां से 2.5 घंटे के बाद में निकलेंगे लखनऊ के लिए, कवर कर लेंगे। वैसे मौसम तो अच्छा साथ दे रहा है, किसी तरह से रेस्ट लेना है, लगातार नहीं ना चलाना है, जल्दी से खाना खाते। तो अभी पूरी सब्जी खा लिए हैं और यहां से निकल रहे हैं, और कोई अच्छा सा जगह देख करके वहां पे स्टे करेंगे, और वहां से तकरीबन वहां पे 2.5-3 घंटा रुकेंगे, उसके बाद में निकलेंगे लखनऊ के लिए। बस 32 किलोमीटर, मतलब हिंदी में बोलो 32 किलोमीटर बाकी है, तो यूं पार कर लेंगे, यूं पार कर लेंगे 32 किलोमीटर। निकलते हैं यहाँ से, कोई अच्छा सा जगह देख करके वहाँ पे रुकते हैं, उसके बाद में आराम थोड़ा सा करेंगे, आराम तो नहीं करेंगे, मुझे ब्लॉग एडिट करना है जो कि शाम को अपलोड करेंगे। तो देखते हैं अच्छा सा जगह देख करके रुकते हैं, और लगातार साइकिल चला भी नहीं सकते हैं, तो निकलते हैं यहाँ से। चले ब्रो, चलो निकल रहे हैं यहाँ से नाश्ता करने के बाद, और कोई अच्छा सा जगह देख करके हम लोग वहाँ पे स्टे करते हैं, और जो काम सब होगा तो काम करेंगे, या तो होगा आराम करेंगे, आराम तो करेंगे थोड़ा देर बाद में, क्योंकि पहले मुझे ब्लॉग एडिट करना है, जो रात में 8 बजे ब्लॉग अपलोड करनी होती है। अभी मैं आप सभी को डेली दो दो ब्लॉग दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा है जो डेली दो ब्लॉग दे पाता हूँ आप सभी को। रात में 8 बजे अपलोड करूंगा ब्लॉग, वही वाला एडिट करना है बैठ करके कहीं पे, तो आराम भी हो जाएगा थोड़ा सा, रेस्ट भी हो जाएगा, और थोड़ा सा ब्लॉग भी अपना एडिट हो जाएगा। तो देखते हैं कहाँ पे अच्छा सा जगह मिलता है और कहाँ पे रुकते हैं, तो आप सब बने रहिए, आप लोग तो देखते ही रहेंगे कहाँ पे रुके हैं, नहीं रुके हैं।